दोस्तों आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जहां मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को एक साल का इंतजार करना पड़ता है। हम बात करेंगे गुलाबी नगरी यानी जयपुर स्थित एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर की। एक लिंगेश्वर महादेव का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और आम जनता के लिए साल में केवल एक बार सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही खुलता है। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड ज्ञान फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर जयपुर के मोती डूंगरी क्षेत्र में एक पहाड़ पर स्थित है। इसे शंकरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जयपुर शहर की स्थापना से भी पुराना मंदिर है। इस भव्य मंदिर की स्थापना के बाद यहां शिवलिंग के साथ शिव परिवार की स्थापना भी की गई, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय बाद शिव परिवार की मूर्तियां यहां से अचानक गायब हो गई। इसके बाद पुनः मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना करवाई गई, लेकिन दूसरी बार भी मूर्तियां अदृश्य हो गई। इसके बाद फिर कभी यहाँ शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना नहीं की गई। एक लिंगेश्वर की पूजा शिवरात्रि पर सबसे पहले जयपुर के राजघराने के द्वारा की जाती है, उसके बाद ही आम लोगों के लिए मंदिर को खोला जाता है। यह मंदिर आज भी शाही परिवार के अधिकार क्षेत्र में है। हर साल सावन के महीने में सहस्त्र घट रुद्राभिषेक आयोजित किया जाता है। इस मंदिर से जुड़े सभी खर्च शाही परिवार के द्वारा किए जाते हैं। एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर में जयपुर वासियों के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों की बहुत आस्था है। यही वजह है कि शिवरात्रि से एक दिन पहले मंदिर के सामने श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। शिवरात्रि के दिन मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की लाइन कई किलोमीटर लंबी होती है। दोस्तों एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध मंदिरों में होती है। दोस्तों आपको महादेव के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।